वेलकम टू speeddining.com। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं और बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है। लोगों की शिकायत यह है कि सर बाजार बड़ी मुश्किल से ऊपर जाता है, टिकता नहीं है, वो तेजी से नीचे आ जाता है और बहुत वोलेटिलिटी चल रही है। अभी दिखता है कि बहुत बड़ी तेजी हुई है, फिर दिखता है बहुत बड़ी मंदी हो गई है, सब कुछ लगातार चलता रहता है। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसमें हम आपको बताएं कि तीन गलतियों से अगर आप बच गए तो आप कभी भी बड़े नुकसान में नहीं जाएंगे। वो तीन गलतियां क्या है एक ट्रेडर के लिए, वो ध्यान रखिए। वैसे तो हमने 46 रूल्स बना रखे हैं ट्रेडिंग गीता के, जिनको आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन कभी कभी बहुत कम पॉइंट्स में अगर हमने कोई बात बता दी तो उसको शायद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो तीन गलतियाँ हैं जो सबसे बड़ी हैं। पहली बात, ये अंदाज़ा लगाना है कि अभी बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आप ऐसा अंदाज़ा लगा के काम करेंगे तो ऐसा होगा कि आपने देखा निफ्टी 70 पॉइंट माइनस खुली है, कल भी गिर गई थी, आज भी गिर गई है, अब इसके नीचे थोड़ी जाएगी, सोच के आपने बाइंग कर ली, बाइंग करके बैठ गए। शाम तक आके देखा आपने तो या तो आपके तीन चार स्टॉक जो आपने खरीद रखे थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब ऐसा हो सकता है 100 शेयर खरीद के छोड़े थे और शाम को 4000 रुपये माइनस देख रहे हैं और ऐसे तीन सौदे लगा रखे थे, क्योंकि जब मेरा ख्याल ये है कि इससे नीचे नहीं जाएगा तो मैं ज़्यादा शेयर्स में ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करूँगा। अगर मुझे पता लगेगा, मैं ऐसा इरादा रखूँगा कि ये बॉटम है तो बॉटम के हिसाब से फिर मैं खरीदी भी तो करूँगा। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं, कितनी ही गिरावट हो, कितनी ही बॉटम आपको दिख रही हो, लेकिन कमजोर स्टॉक्स में लो के नीचे सेलिंग लगाने में आपका क्या जाता है, वो आपको करना ही है। आदत बना लीजिए, एक दिन भी अगर आपने इस आदत को छोड़ा तो आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो कभी भी आपको ये अंदाजा नहीं लगाना है कि बाजार यहां से ऊपर ही जाएगा या बाजार यहां से नीचे ही जाएगा। नीचे जाने के केस में भी अभी पीछे मंदी में लोगों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि एक दिन गिरावट हुई, बाजार नीचे गया, दूसरे दिन थोड़ा प्लस खुला, फिर लुढ़क के नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया, तीसरे दिन खुला, और दो दिन से अगर देख रहे थे कि रोज़ खुल के नीचे जा रहा है तो तीसरे दिन भी हमको उसी तरह की आदत बन जाएगी, तो हम सोचेंगे कि शायद नीचे ही जाएगा और उस दिन अचानक निफ्टी 100 पॉइंट का रिकवरी दिखा देगी, आप मारे जाएंगे, क्योंकि आप कहोगे कि मुझे नहीं लगा आज बाजार इतना ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखनी ही है, और वो सब हम अपने स्ट्रेटजी में डिटेल में बता चुके हैं। तो पहला गलती क्या है, अंदाज़ा मत लगाइए कि बाजार निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई सा पर्टिकुलर सेक्टर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा सिर्फ ये अंदाज़ा लगा के मत रखिए, बल्कि दोनों तरफ अपने ट्रेड लगा के रखिए, है ना। डरने का कोई ज़रूरत नहीं, ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद उसमें स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट बुक करना है, हम तय कर लेंगे। दूसरी बड़ी गलती है लॉस को कवर करने की जल्दबाजी। हमेशा आदमी अपने लॉस को कवर करना चाहता है, तो एक छोटा सा लॉस से कहानी शुरू होती है। एक दिन आपको 2000-1000 रुपये माइनस हो गए, आपने उसको कवर करने की जल्दी की, वो 2000 से 4500 हो गया। अब आप थोड़े घबराए, परेशान और पछतावे से भरपूर थे, खुद पे से भरोसा खत्म हो गया है, दिमाग का बैलेंस चला गया है। अगले दिन फिर आपने सोचा कि भाई छोटा सा मौका है, कोई रैली आएगी, फटाफट एक बड़ी क्वांटिटी लेके बुक करके बाहर हो जाऊंगा। तो आप जल्दबाजी में हो, मौके में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। अगले दिन मार्केट खुला, ना तो तेजी समझ आ रही ना मंदी समझ में आ रही है, बाजार बार बार वोलेटाइल हो रहा है और आप ट्रेड किए ही जा रहे हो क्योंकि आप जल्दी में हो। तो लॉस कवर करने की जल्दी कभी मत करो, लॉस कवर ही नहीं करना है। हमारे दिमाग से बात ही निकाल दें हम कि लॉस कवर करेंगे। जिस तरीके के बिहेवियर से, जिस तरीके की ट्रेडिंग से हमको इतना बड़ा नुकसान हो गया, उस तरीके को हम नहीं दोहराएंगे। मतलब हो गई गलती, सॉरी, अब हम इतनी बड़ी क्वांटिटी में बगैर स्टॉप लॉस के या डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा के ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अब तो हम ठीक ठाक क्वांटिटी स्टॉप लॉस के साथ ही लेंगे और दोनों तरफ की तैयारी करके रखेंगे। धीरे 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 जो भी प्रॉफिट आना है आता रहेगा, लेकिन बड़ा नुकसान अब नहीं होगा।
मतलब एक गलती जिससे आपको चोट लगी है उसी को आप दोहराते चले जाते हो लॉस कवर करने के चक्कर में। तो ये दलदल जैसी बात है, एक छोटा सा सिलसिला शुरू होता है जो एक बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो जाता है। ये दलदल में कैसा होता है, आप धसे और जितने हाथ पैर मारे उतने अंदर घुस रहे हैं, पहले कमर कमर तक थे फिर गर्दन गर्दन तक आ गए, या फिर एक बांध टूटता है तो बांध में पहले एक छोटी सी दरार होती है जहाँ से आपको लगता है हल्का सा पानी रिस रहा है, फिर धीरे धीरे वो पानी की मात्रा बढ़ती है और फिर एकदम से पूरी बांध की दीवार टूट जाती है। इतना नुकसान हो जाता है जो आपको बाद में लगता है कि अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, वहीं रोकी जा सकती थी। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। मतलब आपने लॉस कवर करने की कोशिश की, अब स्टॉप लॉस नहीं लगाना मतलब स्टॉप लॉस ये सोच के कि दो बार ऐसे लेट हो गया, नीचे गया मेरा ऐसे लेट किया फिर चीज ऊपर भाग गई, कहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था और कहाँ ये नुकसान हो गया, भले छोटा सा है पर हुआ तो सही। तो दो बार के बाद हमको लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने से कई जगह अफवाहें फैली हुई है कि भाई सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनको आपके स्टॉप लॉस दिखते हुए आके आपके स्टॉप लॉस खा जाते हैं, ऐसे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि ऐसे खा गए हो, ऐसे लिट हो गया अपना, ऐसे लेके चले जाते हैं जो भी करते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपके पलक झपकने से पहले भी एसएल जा रहा है तो भी आपको एसएल लगाना है, और जो एसएल लगाने में आपको तकलीफ आ रही हो कि नहीं यार बहुत नुकसान हो जाएगा, क्वांटिटी छोटी करो, इंस्ट्रूमेंट बदल लो। कभी आप कहेंगे सर फ्यूचर ऑप्शन में क्या क्वांटिटी छोटी करें, तो अगर आप उसका एसएल नहीं लगा पा रहे मतलब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लायक अभी नहीं है, तो आप कैश में जाओ, 2000 शेयर के लॉट में काम मत करो फ्यूचर या ऑप्शन में, आप 500 शेयर में कैश में काम करो और स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। और चौथी सबसे बड़ी गलती है, ओवर ट्रेडिंग कभी मत करो। ओवर ट्रेडिंग मतलब आप गए और एक चीज समझ आई आपने खरीदी वो परफॉर्म नहीं कर रही है, आपने सोचा चलो ये कर लेता हूँ, दूसरी खरीद ली, फिर कहीं पता लगा कि नहीं यार बाजार नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग कर दी, फिर दूसरा सेक्टर गिरने लगा दूसरी शॉर्ट सेलिंग कर दी, 4-5 स्टॉक्स आप खरीद के बेच के बैठे थे, 2 फायदे में थे 3 नुकसान में थे, फिर 3 फायदे में हो गए 2 नुकसान में हो गए, एक आध का प्रॉफिट बुक किया तो वो और भाग के ऊपर चला गया, तो दूसरे का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, इतने में एक डिप आया सारे के सारे माइनस में आ गए। ओवर ट्रेडिंग पूरा थका डालेगी आपको, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे। सिंगल स्ट्रेटेजी जैसे बोली है ना हम सिंगल ट्रेड स्ट्रेटेजी, एक समय में एक ट्रेड करने वाले को ये बात पता होती कि इसी से निकलना है या इसी को खरीदना है या इसी का प्रॉफिट बुक करना है, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं बढ़ता, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ इतना कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक बाय किया है तो एक वीक सेक्टर का वीक स्टॉक सेल किया, ये बैलेंस करके हमने ट्रेडिंग कर ली, अभी दूसरा कोई ट्रेड नहीं कर रहे। और जब भी आपको ऐसा दिखे कि एक तरफ 800 मिल रहा है एक तरफ 300 जा रहे हैं तो दोनों को बुक करके बाहर निकलो, अभी 500 तो बचा लो, फिर नए सिरे से अगले टाइम स्लॉट में देखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक का प्रॉफिट तो बुक कर लिया लॉस को खुला छोड़ा हुआ है, अब लॉस बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि जो 800 आए थे वो तो गए और 1200 हो गया माइनस। तो हम लोग हमेशा लॉस को कंट्रोल नहीं करते हैं, प्रॉफिट को कंट्रोल करके बाहर आते हैं। तो 4 बड़ी मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी, पहली तो ये बाजार की डायरेक्शन का अंदाजा लगाना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके बजाय स्ट्रेटेजी बनाओ कि दोनों तरफ की व्यवस्था हो। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग लॉस को कवर करने की जल्दी करते हैं, उससे लॉस बढ़ता चला जाता है। तीसरी चीज़ हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और चौथी बात हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इन चारों बातों से बचिए, इन चारों बातों से बच के आप कभी किसी बड़े लॉस में जा ही नहीं सकते। तो आप साइट पे जाइए www.speedhacking.in, 12,000 का 3 वीडियो कोर्स वाला जो पैकेज है और साथ में 30 डेज एडवाइजरी का, वो आप ले सकते हैं, और उससे आप इतना सीख लेंगे कि कम से कम 12 लाख तो बना ही लेंगे आने वाले 2-4 सालों में। और एक 10,000 की ट्रेनिंग है मुंबई में, 1 से 5 टाइम रहेगा, थाने या अंधेरी का वेन्यू रहेगा, थाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और दिल्ली में 18 नवंबर को ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग का 10,000 पे करेंगे, लेकिन उसके बदले 30 डेज की एडवाइजरी हम आपको सपोर्ट में दे रहे हैं, ताकि आपको वो पैसा पे करते वक्त ये नहीं लगे कि पैसा वसूल होगा कि नहीं। फिर एक वीडियो कोर्स भी मिल रहा है, साथ में वहाँ जो 3 से 4 स्ट्रेटेजी आप डिस्कस करेंगे
तो वो क्या रोल प्ले करेगी? कई बार लोगों को एक रियल गुरु आमने सामने चाहिए होता तो ही उनका स्टार्ट हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी है, क्योंकि हमने आज तक टीचर्स के आमने सामने रह के चीजें सीखी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सीखने का हम लोग भ्रम रखे लेकिन सीख नहीं पाए। लेकिन फिर भी जिनको ये चीजें मदद करती है, जो लोग हमसे आमने सामने इंटरेक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। जो कि जितनी भी कॉस्ट आप पे करेंगे वो पूरी वसूल भी हो जाएगी, लेकिन लिमिटेड लोगों को हम लोग वहाँ अलाउ करेंगे, हार्डली 10 से 12 लोगों को। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो पहले बुकिंग करवा लें, उसके बाद बुकिंग नहीं होगी। और 28 का प्रोग्राम है तो हमको 25 की रात तक 12 बजे तक फाइनल बुकिंग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए ट्रेडिंग को।